Hey guys, welcome back to the channel. मेरा नाम है जाहिद अख्तर और आज हम करेंगे स्क्रैच से अपना वार्डरोब बिल्ड टू अचीव ओल्ड मनी एस्थेटिक्स. ओल्ड मनी एस्थेटिक्स के ऊपर एक पूरी गाइड वीडियो मैंने बनाई है. आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप पहले वो वीडियो देखकर आओ, आई बटन पर लिंक है, या फिर आप इस वीडियो को पूरा देख लो, इसके बाद वो देख लेना. भाई लोग, ऐसा है ना कि पूरी वार्डरोब बनवा दूंगा बजट के अंदर, टेंशन नहीं लेनी. टेंशन मेरी है, आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ रात के 2 बजे. मेरे को चाहिए एक बढ़िया लाइट. ये सेटअप कैसा लग रहा है मेरे को बताओ. वैसे ये है तो टेम्परेरी सा सेटअप, जब स्टूडियो बनेगा स्टूडियो मजा आ जाएगा. एक बात और, ये जो हम पूरी वार्डरोब बना रहे हैं ये समर्स और मॉनसून्स को मद्देनजर रखते हुए, जब विंटर आएगा तब मैं आपको फिर बताएगा कि विंटर में क्या करने का है. अभी समर की बात हो रही है तो सबसे पहले जो आपके वार्डरोब में होना चाहिए वो होगी एक अच्छे क्वालिटी की वेस्ट, बनियान. मैन बूब छुपाने के काम आता है. जिनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो वो वेस्ट ना वो सारा पसीना सोखने के काम आता है, ताकि आपका जो स्वेट है उसका पानी आपके ऊपर वाले लेयर पे, मतलब ये जो मैंने शर्ट पहनी है इस पर ना आए. कभी आपको लेयरिंग करनी होगी तो वो वेस्ट बहुत काम आएगा. अभी वो अमूल रूपा ये वाली बनियान नहीं कह रहा हूं मैं आपको, H&M के वेस्ट का कॉम्बो पैक आता है, आप उसके लिए जा सकते हो. मैंने 799 के 2 लिए थे. ये तो थी एकदम बेसिक सी चीज जो होनी होनी चाहिए आपके पास. अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कि सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो क्या होगी. टॉप की बात कर रहे हैं हम. टॉप में आपके पास प्योर टी शर्ट होनी चाहिए, प्लेन सॉलिड कलर की टी शर्ट होनी चाहिए और बटन डाउन शर्ट्स होनी चाहिए. पोलो टी शर्ट्स में आज तक जो आप पोलो टी शर्ट्स पहन रहे थे वो नहीं पहनने आपको. अभी नए नए तरीके के मार्केट में पोलो टी शर्ट्स आए हैं. ज़ारा और H&M ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं टेक्सचर्ड वाले पोलो टी शर्ट्स, नीटेड पोलो टी शर्ट्स. अभी सवाल आता है कि ज़ारा और H&M वाला बजट नहीं है तो क्या करें. गाइस, उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं जो 1000-1200 के आसपास सेम वैसे ही टेक्सचर्ड वाले और निटेड वाले पोलो टी शर्ट्स बना रहे हैं. डिस्क्रिप्शन एक बारी चेक कर लेना. जितनी भी चीज बता रहा हूं आज वार्डरोब बिल्ड करने में, सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, खुद सोचा करो यार, 10 चीजों के लिंक लगा रहा हूं, 10 लोग स्पॉन्सर कर देंगे, मतलब अगर 10 लोग कर दें तो कल थार खरीद लूंगा. जोक्स अपार्ट, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना. ये जो हम लिंक्स देते हैं ना ये हमारे एफिलिएट लिंक्स होते हैं, थोड़ा बहुत कमीशन हम कमा लेते हैं बस, और कुछ नहीं होता. अगर आप लोग को डेली बेसिस पर डील चाहिए, कहां पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है वो सब आपको पता करना है, मेरा टेलीग्राम पर एक चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा. पोलो टी शर्ट की बात होगी, अभी शर्ट की बात आती है. शर्ट में कॉटन है, लिनन है, कॉटन ब्लेंड है, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ लिनन के लिए जाना यार. मैं पिछले 4-5 साल से जितनी भी फैशन वीडियोस में जब शर्ट्स का जिक्र करता हूँ मैं यही बोलता हूँ, लिनन के लिए जाना. लिनन सबसे ज्यादा रिच लुक देता है. अब इससे पहले आप लोग पूछो कि कलर्स कौन से पहनने हैं हमें ओल्ड मनी एस्थेटिक्स अचीव करने के लिए. देखो, मेरी गाइड वाली वीडियो में मैंने सब एक्सप्लेन किया था, फिर से बता दे रहा हूं इस वीडियो में भी. न्यूट्रल कलर्स के लिए जाना. कलर पैलेट कौन से होने चाहिए, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, चारकोल, ब्राउन, बेज, टैन, खाकी कलर. चटक कलर एकदम नहीं पहनने. हाँ जी, क्या समझ गए? अरे समझ गए तो फिर सब्सक्राइब कर लेना. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्लोथिंग व्हिच इज बॉटम्स. बॉटम्स में क्या पहनना है, चीनोज ऑप्शन है और ट्राउजर्स ऑप्शन है. ट्राउजर्स वही जिसको आप लोग कभी कभी कहते हो ये अंकल ओली पैंट, वही फॉर्मल ओली पैंट, वो आपको पहनना है. दूसरा ऑप्शन है चीनोस का. फिटिंग ध्यान रखना, बैगी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्किनी नहीं होनी चाहिए. टेपर्ड फिट चलेगा या रिलैक्स फिट चलेगा. अगर चीनो खरीदने जा रहे हो मेरा सजेशन रहेगा ग्रे, स्काई ब्लू और खाकी कलर खरीद लेना. और यदि आप ट्राउजर्स खरीदने जा रहे हैं आप लिनन पैंट्स के लिए भी जा सकते हैं. अभी जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो लिनन पैंट्स है ना ये थोड़े से महंगे आते हैं, मतलब 2-2.5 हजार से इनकी शुरुआत होती है अगर आप अच्छे लिनन पैंट्स की तलाश में हैं तो. और अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है एकदम सस्ते में अगर आप जाना चाहते हैं, वैसे सस्ता तो है नहीं, H&M के आप लिनन पैंट्स के लिए जा सकते हैं. थर्ड नंबर पर आता है कि हमें किस टाइप का फुटवेयर कैरी करना है टू अचीव ओल्ड मनी एस्थेटिक्स. मेजरली आप फॉर्मल ही कैरी करेंगे. ऑक्सफोर्ड हो गया, डर्बी हो गया, मंगस्ट्रैप हो गया. मंगस्ट्रैप में देयर आर 2 ऑप्शंस, सिंगल मंग स्ट्रैप, डबल मंग स्ट्रैप. आप लेदर चेल्सीज के लिए भी जा सकते हैं, स्वेड चेल्सीज के लिए भी जा सकते हैं. स्नीकर्स अवॉइड करने हैं, कलर ब्लॉक्ड हो गए, चंकी हो गए, इनको तो एकदम नहीं पहनना. लेकिन फिर भी आपकी जिद है, नहीं हम तो स्नीकर ही पहनेंगे क्योंकि हमारा बजट नहीं है, हम अब अलग से जूते कहां से खरीदें. तो स्नीकर में आई एम श्योर कि आपके पास वो बेसिक वाले व्हाइट लेदर स्नीकर होंगे, बहुत ज्यादा उसमें डिजाइनिंग नहीं होगी, एकदम मिनिमल से जो होते हैं ना आप वो कैरी कर सकते हो. उसके अलावा कुछ भी कैरी करोगे फिर ये मत बोलना कि हम ओल्ड मनी एस्थेटिक्स के 14 बने फिर रहे हैं. वैसे
ओल्ड मनी एस्थेटिक्स के 14 का हिंदी वर्जन, एकदम प्योर हिंदी वर्जन क्या होगा नीचे कमेंट करके बताना, देखते हैं कितने क्रिएटिव हो आप लोग। नेक्स्ट बारी आती है एक्सेसरीज की। अभी एक्सेसरीज में क्या पहनना है, किस टाइप का पहनना है और क्या नहीं पहनना, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसको हम बाइफरकेट कर रहे हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे रिंग्स की, कौन से टाइप के रिंग आपको नहीं पहनने। जो चंकी रिंग्स आ रहे हैं, जो डिजाइनर रिंग्स आ रहे हैं, दोज आर बिग नो। हमें सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में तैयार होना है। ओल्ड मनी एस्थेटिक्स इज ऑल अबाउट मिनिमल स्टाइलिंग। तो रिंग्स में हम क्या पहनेंगे, इस टाइप की आप रिंग्स के लिए जा सकते हो। अभी मैं आपको बोलूं कि ये 20,000 की आप मान जाओगे, नहीं मैं आपको बोलूंगा 10,000 की आप मान जाओगे, मैं बोलूंगा ये 30 रुपए की है तो भी आप मान जाओगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 20,000 की एक मैं किसी ब्रांड का नाम ले लूं, आप कहोगे हाँ हो सकता है, ये 30-35 रुपए से ज्यादा की रिंग नहीं आती है। कोई 100 में बेचता है, कोई 50 में बेचता है, कोई 20 में, कोई 25 में, कोई 30 में, डिपेंडिंग आप कहां से खरीद रहे हो। इस टाइप की आपको रिंग्स चाहिए, सिल्वर रिंग आप ले सकते हो, ब्लैक रिंग्स आती हैं आप उनके लिए जा सकते हो। एकदम सटल, एकदम मिनिमल, मतलब किसी को पता ही नहीं चलना कि आखिर भैया ये है कितने की। और यही पूरी बात है ओल्ड मनी एस्थेटिक्स की, कि पता ही नहीं चलना है कि आपने आखिर कौन से ब्रांड का और आपने कितना महंगा या कितना सस्ता पहना। अमीर चीख चीख के बताता नहीं है ना कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। और अमीर जो खानदानी रईस होते हैं वो शो ऑफ भी नहीं करते। अब शो ऑफ ज्यादा कौन कर रहे होते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में अमीर बने होते हैं। वो कहावत आपने सुनी है ना कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि ये जो रईसी है ये अभी वली है। यार कितनी फिलोसफिकल बातें करता हूँ मैं, काश उससे भी कर ली होती। नेक्स्ट बारी आती है वॉचेस की। अब वॉचेस कौन सी पहननी है, लेदर स्ट्रैप वाली वॉचेस के लिए आप जा सकते हैं, मेटल चेन वाली वॉचेस के लिए आप जा सकते हैं। अभी ये जो मैं पहनकर वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको पता ही है मेरी फेवरेट अरमानी एक्सचेंज की वॉच है। इस टाइप की वॉच के लिए आप जा सकते हो, मेटल चेन वाली वॉच है बट फुल ब्लैक कलर। तो मेटल चेन वाली, चाहे ब्लैक हो, सिल्वर हो, लेदर स्ट्रैप, जो भी कलर आपको सूट करता है, जो भी कलर आपका फेवरेट। स्पोर्ट्स वाली वॉच इज अ बिग नो नो माय फ्रेंड्स। वैसे वॉचेस के ऊपर मैंने काफी हॉल वीडियोस बनाए हैं, इन केस यू गाइस वांट टू चेक, आई बटन देख लीजिएगा। लेट्स टॉक अबाउट नेक चेन्स। इस टाइप की नेक चेन्स के लिए आप जा सकते हो, थिन गोल्ड चेन के लिए आप जा सकते हो, पर्ल्स नेकलेस जो आते हैं, पर्ल चेन्स जो आते हैं, मैंने जब किंग का आउटफिट रिक्रिएट किया था उसमें पहना था, आप उसके लिए जा सकते हो। उसको आप पोलो टी शर्ट्स के साथ कैरी करना, मजा बांध देगा। अब जरा बात करते हैं सनग्लासेस की। आखिर कौन से सनग्लासेस आपको पहनने चाहिए टू अचीव ओल्ड मनी एस्थेटिक्स। क्लब मास्टर, एविएटर, वेफेरर्स, इस टाइप के ट्रांसपेरेंट ग्लासेस के लिए आप जा सकते हैं। मिस्टीरियस लुक देता है, आप खुद ही बताओ ना, लग रहा हो ना अमीर, क्या मतलब मैं अमीर हूं। और यू गाइस कैन गो विथ दीज राउंड शेप सनग्लासेस। ये जितने भी सनग्लासेस मैंने आपको दिखाए अभी, इन सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे फेवरेट ब्रांड के हैं, मैंने इनका हॉल वीडियो भी किया था। जस्ट इन केस आपको हॉल वीडियो देखना है, आई बटन इज द प्लेस। नेक्स्ट बात करते हैं परफ्यूम सिलेक्शन की। हमेशा बोलता हूं अपना सिग्नेचर स्मेल बनाओ, मतलब जहां से भी आप गुजरो तो पता चले कि जाहिद आया था क्या, रादर देन की जाहिद आया था क्या। आप समझ गए मेरी बात, आपको खुशबू चाहिए या बैडबू चाहिए। देखो लौंडो, एकदम मैन टू मैन बात हो रही है, बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ। यहाँ वैसे कोई आसपास है भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बीच में ऐसी बात हुई है, और सबको अट्रैक्ट भी कर लोगे, ठीक है। देखो बाहर वो भी बार कर रहा है, बॉ बॉ कह रहा है, यस यस यस। तो सिंपल सी कुछ चीजें हैं, लड़कों पे कौन सी खुशबू सबसे ज्यादा सूट करती है, जो आपके अपोजिट जेंडर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। सिट्रस, अर्दी, मस्की, वुडी, ये चार स्मेल मर्दाना खुशबू कहलाती है। सिट्रस, अभी आप कहोगे खट्टा खट्टा स्मेल होगा, नहीं, फ्रेश फ्रेश, ब्रीजी ब्रीजी। जब सिंथॉल के साबुन से नहा कर आते हो या आफ्टर शेव लगा या आफ्टर शेव यूज करते हो, वो खुशबू आती है, वो सिट्रस कहलाती है। अभी जो वुडी अर्दी है ये क्या है भैया, ये बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, मिट्टी की जो भीनी खुशबू है वो, पेड़ की छाल की जो खुशबू होती है वो, ये सारी मर्दाना खुशबू है। गाइस वैसे तो मैंने जितने भी परफ्यूम्स आज तक अपनी जिंदगी में यूज करे हैं सभी के मैंने रिव्यूज अपने चैनल पर डाले हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये वाले परफ्यूम सेट्स को मंगाया था, इनको मैंने यूज भी किया हुआ है। इन फ्यूचर
इनका मैं रिव्यू वीडियो भी डालूंगा। स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है मेरे को, नया ब्रांड है, मैंने सोचा लाओ मंगाते हैं इनके परफ्यूम्स को, ट्राई भी कर लिया जाएगा। तो इस टाइप का इनका परफ्यूम सेट का ये बॉक्स आता है और ये मेरे स्टोर पर अवेलेबल भी है, तो इसका बेस्ट बाय लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मेरा एक सीक्रेट कूपन कोड भी है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, मेरे स्टोर पर है, आप खरीदोगे भाई अफिलिएट का कमीशन मेरे को मिल जाएगा और कुछ नहीं। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊं शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो, नीचे कमेंट कर देना, मैं बनाएगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, बारी आती है हमारे बेल्ट्स की। बेल्ट में ना एकदम मिनिमल के लिए जाना है, एकदम मिनिमल, जो पापा लोग पहनते थे ना बस वही वाली बेल्ट चाहिए हमें। मेक श्योर कि प्योर लेदर की हो, वो बड़े बक्कल तो एकदम ना हो, एक ब्लैक और एक ब्राउन बेल्ट में इन्वेस्ट कर लेना। एंड विद दैट सेड हम आ चुके हैं अपनी वीडियो के एंड में। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप में से कितने लोग हैं जो ओल्ड मनी एस्थेटिक्स को कैरी करने वाले हैं कमेंट करके बताइएगा। कितने लोग ऑलरेडी इसको कैरी कर रहे थे वो भी जरा कमेंट करके बताइएगा। 24/7 मुझसे कनेक्ट होने के लिए यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, ये आ रहा है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। एंड गाइस डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी है बंजारा जायद वाले चैनल पर। सो ये जो पूरी भसड़ है ये सब आपको वहीं पर BTS के फॉर्म में, जो सुबह से रात क्या कर रहा होता हूँ सब वहीं आपको मिलेगा। मेक श्योर कि आप उस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत भसड़ थी मेरे लाइफ में, इस चक्कर में यहाँ पर मैं इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन बंजारा जायद में एक्टिव हूँ। बस जी यही था, मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंसिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।